पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 25-26 जून की रात हुई एक बंद मकान में लाखों की चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आज सुबह बरखेड़ा थाना पुलिस ने चोरी का माल बेचने जा रहे दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से चोरी के गहने बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। दरअसल चोरी की वारदात बरखेड़ा थाना क्षेत्र में ललौर गुजरानपुर गांव की है, जहां के रहने वाले राम प्रताप मौर्य रोजी रोटी कमाने के मकसद से बाहर काम करने गए हुए थे। इस बीच उनकी पत्नी रामलली बच्चों के साथ अपने मायके घूमने चली गई। इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए गांव के ही अंकित कुमार और मुकेश कुमार ने 25-26 जून की रात खाली मकान पर धावा बोल दिया और पीछे से दीवार काट कर दो संदूक लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने मकान से कुछ दूरी पर संदूकों से सोने का एक टीका, एक बेसर, एक मंगलसूत्र, वहीं चांदी की 3 जोड़ी पायलें, एक बिछुआ और 2 जोड़ी कंगन समेत कैश लेकर रफूचक्कर हो गए। वहीं 26 जून की सुबह जब गांव के लोगों ने देखा तो राम प्रताप के मकान की दीवार कटी हुई थी, साथ ही कुछ दूरी पर 2 संदूक और उनमें रखे कपड़े बिखरे पड़े थे। इसके बाद घटना की सूचना राम प्रताप और उनकी पत्नी को हुई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले का खुलासा होने पर राम प्रताप के पिता ने बरखेड़ा थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद बरखेड़ा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में गांव के अंकित कुमार और मुकेश कुमार द्वारा वारदात को अंजाम देने की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके पास से चोरी के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।